हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग नीतू मलिक, दिव्या, कीर्ति यादव. चलिए बच्चों, जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाते हैं सब लोग. फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. राइट, आज हम लोग न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं और कुछ फ्यूचर प्लान्स भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस किस तरह से आगे का जो शेड्यूल होगा वो होगा. विद इन वन मिनट हम लोग स्टार्ट कर लेंगे लेक्चर. यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्रियांशु यादव, गुड मॉर्निंग. एक बारी आप मैसेज कर दें कि आपके एंड पर ऑडियो वीडियो है वो अभी क्वालिटी बेस्ट है, सही है या नहीं है. जस्ट लिखे मुझे कि ऑडियो वीडियो की क्वालिटी आपके एंड पर सही है या नहीं. राइट ऑन. ओके, क्लियर है, गुड. हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. राइट, वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार. हम लोग देखो, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. मैं क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूँ और आप उसे देख भी सकते हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है. ये नीट 2015 नीट स्पेशल क्लास होगी आज की. यहाँ पे नीट पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आज. तो इसमें नीट 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है. राइट, देखिएगा क्या है क्वेश्चन. वो कहता है ए सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, ए बैटरी ऑफ 30 वोल्ट. ये 30 वोल्ट लिखा है यहाँ पे, 30 वोल्ट हो सकता है रिफ्लेक्शन वहां पे आ रहा हो. 30 वोल्ट राइट कहता है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 ओम. रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है. इफ द एमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस दिस मच 480 ओम एंड शंट ऑफ 20 ओम. जिसमें शंट कनेक्टेड है वो 20 ओम का है. 20 ओम द रीडिंग इन एमीटर विल बी. तो बताइए एमीटर में जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग क्या होगी. रीडिंग मींस करंट की वैल्यू आपको बताइए. रीडिंग इन एमीटर विल बी. ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1, सेकंड 0.5 एंड थर्ड वन इज 0.25 एंड फोर्थ वन इज 2 एम्पियर. जल्दी से सॉल्व कर दीजिए कुछ सेकंड में. एक सिंपल टाइप प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल नहीं है. ट्राई कीजिएगा, मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं, जल्दी ट्राई करो. बहुत सिंपल है यार. चलिए साइड हो गया हूं मैं. बी ऑप्शन करेक्ट. राइट, कौन बोला ये? नीतू मलिक आई थिंक. और कोई बच्चा? इनका ऑप्शन बी सही आ रहा है. और कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहता ऑप्शन, हम वेटिंग. प्रियांशु यादव, बी, गुड. चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं. उसने क्या कहा देखो, वो कहता है कि ये सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, एक एमीटर है, एक बैटरी ऑफ 30 वोल्ट. उसमें जो बैटरी कनेक्टेड है वो 30 वोल्ट की है. इफ द एमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम, अगर उस कॉइल का रेजिस्टेंस 480 ओम है, 480 एंड शंट ऑफ 20 ओम, इसलिए मुझे इसको 20 करना चाहिए और इसको मैंने करना चाहिए 480. ऑलराइट, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ये 480 है. राइट,
और अब वो कहता है कि बताइए कितना कितना इसका जो एमीटर की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी। अब एमीटर की रीडिंग आपको यहां से कैलकुलेट करनी थी, तो बहुत सिंपल था यार, आप पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते। अगर आप इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद बताइए करंट की वैल्यू क्या आएगी। तो करंट की वैल्यू क्या, I is equal to V by R, लेकिन पहले आपको R चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इनको पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। इनको पैरेलल में सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 480 into 20 upon 480 plus 20, ठीक है। और इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व करके रिजल्ट आता है, रिजल्ट इज 19.2 आता है इसको सॉल्व करके, ओके 19.2 अगर इसको सॉल्व करके आया और यहाँ पे 40.8 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के बाद टोटल बन गया वो कितना आ गया आपका 60 ओम। तो आर जो टोटल हो गया वो 60 ओम हो गया। और अगर आपका आर 60 होगा तो यहां से आप आई निकाल सकते हैं। आई कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना हुआ, 30 दिया हुआ है, 60 1/2 means 0.5, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी सही है। जल्दी से जो लोग अभी आए हैं, अंकित यादव गुड मॉर्निंग, जो लोग अभी आए हैं वो इसे जल्दी से लिखे और जल्दी से सॉल्व करें, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। ये नीट 15 का था, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा लेते हैं, कौन सा ट्राई करते हैं। ठीक है, एक और नीट का क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे हटा दूं क्या बच्चों, चलिए मैं इसे हटा देता हूं। देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नीट आई थिंक 2012 में पूछा गया था और उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, जो गिवन डेटा मैं लिखता रहूंगा। क्या स्टेटमेंट है उसकी, बस ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि उनके पास एक मिली वोल्ट मीटर है, मिली वोल्ट मीटर है, और जिसका जो रेंज है वो है 25 मिली वोल्ट। एक मिली वोल्ट मीटर है जिसकी रेंज है 25 मिली वोल्ट, ठीक है। अब अगर उसकी रेंज 25 मिली वोल्ट है तो कहा गया है कन्वर्टेड इंटू एन एमीटर, उसको किसी एमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्टेड इंटू एन एमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, यानी कि उसको इस एमीटर में कन्वर्ट किया गया, उसकी रेंज को बताते हैं 25 एम्पियर, ठीक है भाई। क्या कहा उसने, उसने कहा कि उनके पास एक मिली वोल्ट मीटर है और उस मिली वोल्ट मीटर की जो रेंज है दैट रेंज इज व्हाट 25 मिली वोल्ट, और उसको कन्वर्ट किया गया एक एमीटर में और उस एमीटर की जो रेंज है दैट इज 25 एम्पियर। देन वो पूछते हैं द वैल्यू ऑफ सेंट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एस की वैल्यू बताइए यहां से क्या आएगी, वैल्यू ऑफ एस इज व्हाट, क्या होगी। ट्राई करेगा, ये भी प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है। लेवल की बात करूं तो मैं जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, राइट। आपको यहां पर वी दे रखा है और आपको यहां पे ए दे रखा है और आपसे पूछा है कि आप एस कैलकुलेट करके बताइए कि एस इसके लिए क्या होगा। चलो लोगों को शायद आज इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं लाइव आऊंगा क्योंकि मैं कल नहीं आया था, तो उनको आप एक बार ये सेंड कर दें, शेयर कर दें लिंक, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ चीजें सही है, ग्रुप में सेंड कर दें जो ग्रुप आपके पास है। एस की वैल्यू निकालने की कोशिश भी करें क्या आंसर आएगा, मुझे ऑप्शन लिखना चाहिए, ऑप्शन लिखता हूं चलो मैं, ऑप्शन ए 0.01 एंड ऑप्शन बी किसी का आंसर नहीं है अब तक 0.01 एंड सी ऑप्शन इज 1 एंड डी ऑप्शन इज 0.05। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर मिली वोल्ट मीटर का ये 25 मिली वोल्ट है उसकी रेंज और एमीटर की 25 एम्पियर है, देन व्हाट अबाउट द यू नो एस, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, शंट रेजिस्टेंस।
गुड मॉर्निंग दीपक शर्मा, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए तुम लोग, और ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अगर वो कहता है कि मिली वोल्टमीटर की जो वोल्टेज है वो दी है, और एम्पियर मीटर आपका इतना रीडिंग का है कन्वर्ट करने के बाद, किसी का आंसर नहीं आ रहा गया। प्रियांशु यादव ऑप्शन ए। और कोई क्या कहना चाहता है? एनी अदर स्टूडेंट प्लीज। साइड हो जाता हूं मैं, देखो करंट ए। और कोई बताओ यार, किसी का आंसर आया नहीं आया तो मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल इजी है, बहुत मुश्किल नहीं, बस आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ। दिव्या आपका भी आता है कितना? 1 ही। देखो ये सर्किट कैसा होता है, इसका सर्किट में एक बार ड्रॉ करूं तो देखो कैसा होता है सर्किट। ये ऐसे शंट रेजिस्टर लगा होता है यहाँ पे, ये और ऐसे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, यहां से करंट वो आई फ्लो होता है, इधर आई जी जाता है, और इधर आई माइनस आई जी जाता है। तो यहां से हमारे पास उसने कहा कि उसकी वोल्टेज की वैल्यू उसने दी है 25, ठीक है भाई। उसमें एमीटर की जो रीडिंग है यानी कि जो करंट की वैल्यू है, वो करंट की वैल्यू उसने दी है 25, और पूछा है आर रेजिस्टेंस निकाल के बताइए। तो अब रेजिस्टेंस हम निकाल ले, बट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या? तो आंसर है रेजिस्टेंस हम यहां से ऐसे निकालेंगे कि अगर ये एस और जी है तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और इनका रिजल्ट कितना आएगा? इनका रिजल्ट आएगा जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, राइट। और इसको मैं इक्वेट करूंगा तो ये इक्वेट करने के बाद किसके बराबर होगा? ये वी अपॉन आई के, क्योंकि भाई ये जो टोटल है वो टोटल डिस्टेंस किसका बराबर है? टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के रेशियो के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा? ये आता है आर के बराबर। और अगर ये तब आर के बराबर आया तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आए, देखो ये ध्यान सुनना, भाई वी की वैल्यू यही दी हुई है आपको मिली वोल्ट वाली, और ये आपको ए की वैल्यू दी हुई है, तो 25 इंटू 10^-3 अपॉन 25, तो यहां से क्या बच गया? 10^-3, दैट मींस व्हाट? ऑप्शन ए। अब आपने ऑप्शन ए क्यों चुन लिया सर? यहां से आपको बताना चाहिए कि हमें ये एस क्यों लिया ऐसा। तो तब हम दो चीजों को पैरेलल में कनेक्ट रखते हैं, तो सबसे छोटा माना जाता है कौन? भाई हमने तब पढ़ा था, एमीटर की कहानी पढ़ी थी, एमीटर में कन्वर्जन पढ़ा था वो इसका और गैल्वेनोमीटर का, तो ये सीखी थी बात की हमेशा जो रेजिस्टेंस होगी, फिर से हमेशा जो रेजिस्टेंस होगी, कौन सी रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज वेरी लेस देन गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर से बहुत छोटी होगी, और अगर ये उसे बहुत छोटी है तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह पाएंगे कि इनमें से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है वो छोटे से छोटा होता है। तो इसका मतलब कौन है सबसे छोटा? एस। तो एस के लिए ऑप्शन ये वाला। राइट, कोई कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये भी नीट का था, प्रीवियस नीट, प्रीवियस नीट था। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो भी प्रीवियस नीट होगा, यानी कि जेई मेन और इस नीट के जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम सेम लेवल के होते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस उनमें होता नहीं है, राइट। चलिएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगर ये आपने लिख लिया तो मैं इसे हटा दूंगा अभी, तब तक हम एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं इसे हटा रहा हूँ बच्चों। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर, राइट डाउन, लिखें या समझें या सुने। गरिमा हेयर, गरिमा गुड मॉर्निंग। एक गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस उसने दिया 60 ओम, राइट। फिर कहा गया शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है यानी कि करंट की वैल्यू को आप समझ जाए उससे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई की वैल्यू देता है 1 एम्पियर, आई की वैल्यू से दी 1 एम्पियर, पासेस थ्रू इट यानी कि 1 एम्पियर करंट उसे पास होता है,
इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन एमीटर, इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन एमीटर टू रीड करेंट्स अप टू 5 एम्पियर. यानी कि ये जो उसने रेंज दी वो आईजी है, और ये इसने जो करंट दिया है वो उसकी टोटल रेंज है 5 एम्पियर. ऑप्शंस में पूछा गया है पुटिंग द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट रीड करंट अप टू 5 एम्पियर पुटिंग इन सीरीज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम. दूसरे में कहता है पुटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 240, तीसरे ऑप्शन में कहता है वो सी में पैरेलल में 15, एंड डी में कहता है वो पैरेलल में 240. अब आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है. ये भी एक नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल सवाल है भाई, बहुत ज्यादा आसान है, ट्राई करिएगा. ये फॉर्मूला भी आपको मालूम है यार, ऑप्शन सी. किस किस का आता है बच्चों ऑप्शन सी? सी करेक्ट ऑप्शन. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था एस का यार इसमें. एस का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको यूज करना था, एस इज इक्वल टू आईजी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आईजी. ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना था और डायरेक्ट सी वैल्यू पुट कर देनी थी. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा. अच्छा बच्चों मैं क्या सोच रहा हूँ यार, देखो सब लोग कनेक्ट हो गए हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ एक साथ साथ. मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक टाइम टेबल बना लें, टाइम टेबल इन द सेंस कि अपनी कब लाइव क्लास होगी, कब मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, कब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कब हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, कहाँ मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, वो सारी चीजें हमें मेरे ख्याल से प्री प्लान अभी कर लेनी चाहिए. क्योंकि कोई आइडिया नहीं कि कब स्कूल ओपन होंगे, या स्कूल ओपन होंगे तो प्रॉपरली चल पाएंगे, सारा क्राउड एक साथ आ पाएगा या क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है. राइट, अभी हमें कोई भी इस तरह की चीज प्रीडिफाइंड नहीं है कि किस तरह से काम होना है. तो क्यों ना हम पहले इस बात को समझ ले और अपने खुद रेडी हो जाएं कि हमें बाद में जाके फिर प्रॉब्लम हो कि यार हमारे पास ना नोट्स है, ना हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, ना हमने पढ़ा, ना कुछ सीखा, और जो भी देखा था वो सब बकवास चला गया. तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ प्रीडिफाइंड कर दूंगा चीजें. देखिए इससे अगला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो वाला काफी थ्योरेटिकल टॉपिक माना जाता है और उसके क्वेश्चन आने के चांसेस भी थोड़े कम होते हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि वो पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो मैं रिकॉर्ड कर दूं, दो चार वीडियोस में, बड़ी बड़ी वीडियोस बना के उसको मैं आराम से तसली में बैठ के रिकॉर्ड कर लूं, और उसको आप डेली देखिए. अब आप ये रूटीन बना लीजिए अपना केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए. हाँ उसकी बात करूंगा, पहले आप पूरे सुने. उसके लिए हम ऐसा करेंगे, आप अपना रूटीन बना लें डेली का कि डेली आप 7:30 आप जो भी अपना मॉर्निंग में जल्दी उठे. अगर 7:30 आपको अर्लियर जल्दी लग रहा है, सब लोग कनेक्ट हैं तो आप मुझे बता दे, प्लीज सजेस्ट भी कर दे. अगर आपको 7:30 टाइम जल्दी लग रहा है तो 7:30 से हम लोग टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं 8 की तरफ, कोई ज्यादा इशू नहीं है उसमें, 8 की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं. तो अगर आपको 7:30 से लग रहा है भाई बहुत जल्दी है हम लोग नहीं उठ पाते हैं, तो हम लोग 8 पे जा सकते हैं. 8 के बाद थोड़े से चांसेस कम है 8 के बाद जाने के, बट 8 पे हम लोग जा सकते हैं. राइट, तो अगर 7:30 सही है तो फिर कोई इशू नहीं है. राइट, तो हम लोग आप अपनी हैबिट बना लें कि भाई स्कूल ही चल रहा है हमारा या हमारी कोचिंग ही चल रही है, आप सुबह 7:30 बजे आ जाएंगे, या तो मैं आपको एग्जैक्ट बिल्कुल 7:30 बजे ही, ठीक है 7:30 डन 7:30 बजे ही, या तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा अगर रिकॉर्डेड वीडियो है तो. और अगर लिंक सेंड नहीं हुआ तो आप समझ जाएंगे कि मैं लाइव आने वाला हूं, और लाइव के लिए मैं आपको बता दूं, आप चेक कर लिया करें, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल ना करें, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूं. कम्युनिटी पोस्ट डाल देने से क्या होता है कि आप वहां पर जाके कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप लोग प्लीज वहां पे जाके देख लें. अटेंडेंस की कहानी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके जरूर,
क्योंकि मैंने ना पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी किया है, आज वो प्रिंटेड आ जाएगा प्रिंट होके, तो उसमें फिर मैं आपको क्या करूंगा, मैं वो टाइम टेबल पूरा आपको सेंड कर दूंगा। आज सैटरडे संडे को मैं यही प्लान करने वाला हूँ। दूसरा ये कि टेस्ट सीरीज और जो नोट्स की बात हुई उसके लिए यार आप लोगों को वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां हो जाएगा आज ही मेरे ख्याल से, www.primeinstitute.com पे, वहां पर आपको नोट्स भी और जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं उसके जो सीट्स हैं वो सीट्स भी वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। तो उसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करें, लेकिन आप प्लीज ये बात दिमाग में रखें कि आप कम्युनिटी पोस्ट रेगुलरली चेक करते रहें। हाँ सैटरडे है आज, रेगुलरली आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं लाइव आऊंगा या रिकॉर्डेड वीडियो आएगी। मैं वहां पे जरूर नोटिफिकेशन या जरूर वहां पे नोटिस डालूंगा कि आज क्या होने वाला है, आज क्लास होगी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ये जैसे आज कंफ्यूजन है बच्चों को, आज कुछ लोगों को नहीं पता था, कुछ लोगों को पता था, इस तरह की दिक्कतें थी। अरुण पॉइंट, गुड मॉर्निंग। तो इसमें 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 आपको ये चीज क्लियरली हो जाएगी कि भाई आपको ये इश्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि आप लोगों को ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अपना रूटीन अपना टाइम टेबल बना करके फॉलो करना चाहिए। कभी आप रेंडमली ऐसे ही लगे हुए हैं, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कभी पूरा दिन पढ़ रहे हो कभी तीन दिन तक नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा मत करिएगा। अपना एक रूटीन बनाओ और उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह की ना आए कि यार हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक पैटर्न वाइज पूरे एक शेड्यूल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए उसको, राइट। तो उससे उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी सी। इन पॉइंट्स पर भी हम लोग एक क्लास रखेंगे कि ये सब मोटिवेशन और शेड्यूल आपका टाइम टेबल इन चीजों के भी के लिए भी मैं कर रहा हूँ कोशिश की वो मैं एक बार अरेंज करूँ सारी चीजें, उसमें हम लोग पढ़े। और बात रही इवनिंग की, तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स मैंने अभी तो मैं रेगुलरली भेज रहा हूँ, जैसे जो टॉपिक पढ़ाए हैं उस टॉपिक के नोट्स के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, इसमें मैं अभी नोट्स भेज रहा हूँ जो टॉपिक चल रहे हैं उनके साथ साथ, बाकी जो नोट्स है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें थोड़ा देखो टाइम लगेगा, मैं नहीं कहता कि अभी मैं आज ही कर दूंगा या मैं कल ही कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट जो पर्टिकुलर टॉपिक अब चल रहे हैं जो मैं आप डेली पढ़ाऊंगा वो आपको इस पे व्हाट्सएप करना है। जैसे कल का लेक्चर या परसों लेक्चर जो रिकॉर्डेड वीडियो आएगी या फिर जो भी लाइव क्लास होगी उसके जो नोट्स होंगे उसके नोट्स मैं रेडी रखता हूँ पहले, तो वो नोट्स आपको मिलते रहेंगे। निशा, ओके निशा, तो आप लोग प्लीज एक चीज का ध्यान रखें कि अपना प्रॉपर शेड्यूल बना के रखें और एक पर्टिकुलर वे में काम चलना चाहिए आपका, राइट। बाकी उस पर हम लोग क्लासेस कर लेंगे। बाकी मुझे एक चीज और सजेस्ट करें कि जो वॉइस क्वालिटी है, जो आवाज आप तक आ रही है या अभी जो देख पा रहे हैं वो एकदम क्लियर है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लर है या आपको आवाज क्लियर नहीं आती है? क्योंकि लाइव में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग रिकॉर्डिंग को प्रेफरेंस दें या कुछ भी अल्टरनेट सोचे, माइक कनेक्टिविटी हो नहीं रही है, मैं अभी मार्केट ओपन हो गई, हो सकता है कोई दूसरा माइक इसके लिए यूज होता हो, उसके लिए मैं ट्राई करूं, तो आप मुझे एक बार उस पर भी सजेशन दे दें कि यार सब सही होता है या नहीं होता है। अच्छा, सब क्लियर होता है, फील आता है कि तुम्हें कि दैट्स ओके यार, बढ़िया है। क्या जरूरत है मुझे कि इसके बाद मैं जो लेक्चर अभी कर रहा हूं उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी अपलोड करूं? क्या ऐसी जरूरत है कि जैसे मैंने आपको कोई लेक्चर पढ़ाया लाइक गैल्वेनोमीटर मैंने पढ़ाया उसका फिर मैं रिकॉर्डेड वर्जन अपलोड करूं? कि मैंने जो आपको जो लेक्चर इसमें देखे हैं अपलोड होने के बाद, वो लेक्चर्स में कई बार क्वालिटी थोड़ी डाउन हो रही है अपलोड होने के बाद। अच्छा, मार्केट नहीं जाऊं, चलो ठीक है, वो देख लेंगे। तो चलिए उसके अल्टरनेट हम लोग सोचेंगे, बट प्लीज आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान देना, कभी कभी ब्लर हो जाता है। मेरे ख्याल से ये लाइटिंग का कुछ इफेक्ट है, मुझे लाइटिंग वाइटिंग का किसी कैमरामैन को बुला के चेक करना पड़ेगा लाइटिंग कहाँ पे लगाई जाए, बड़ा ही जुगाड़ क्या हुआ यार इधर, है ना। तो चलिए, तो बच्चों मैं हो सकता है होपफुली कल मोटिवेशन सेशन या फिर टाइम टेबल वाला कि किस तरह से आप काम करें आगे और क्या क्या होगा, किस तरह से कैसे होगा, तो आप उसके लिए कल हो सकता है मैं 7:30 या 8 के आसपास लाइव आऊंगा, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। अगर मैं लाइव आया कल संडे को सुबह में तो मैं आपको पोस्ट डालूंगा, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने आपको आप मोटिवेट, आप जाके ना चैनल पे जाके कम्युनिटी पोस्ट होता है एक, आपको मालूम होगा यार ज्यादा पता आपको, वहां पे जाके आप चेक करना, वहां पे मिल जाते डिटेल्स, वहां पे मैं सारी चीजें उसमें अपलोड कर देता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ, नोटिफाई कर देता हूँ कि हाँ इस तरह का काम होना है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स ये मैंने बोला ये इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे तो फिर आपको नोट्स दे दूंगा, भेज दूंगा मैं।
इवनिंग क्लास की बात भी हाँ मैं करने वाला था, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में एक लेक्चर लिया था राइट, तो इवनिंग क्लास का शेड्यूल भी मैं आपको, वो शेड्यूल जो बना रहा हूँ उसमें बताऊंगा कि कितने दिन क्लास होगी, कैंडल लाइट की 3 दिन होगी, 4 दिन होगी, और किस किस टॉपिक पे क्लास होगी, वो हम लोग सारी चीजें अरेंज कर लेंगे। आज इवनिंग क्लास में भी नहीं है, अगर हुई तो आपको फिर से कम्युनिटी पॉलिसी में रेफर करूंगा, वैसे होपफुली अभी नहीं है क्योंकि 2 दिन तक मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा पूरी की पूरी कहानी राइट। तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, आपको केवल ये करना है कि आप अभी पढ़ते रहे घर बैठ के, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, सारे ही काम कर रहे हैं। चलिए अब मैं इसको खत्म करता हूँ, हो सकता है हम लोग कल मॉर्निंग में मिले मोटिवेशन और शेड्यूल के साथ, उसके बाद फिर मंडे से तो रेगुलरली आपको 7:30 बजे आना ही है, चाहे कुछ भी होगा मैं 7:30 बजे आपको वीडियो पहुंचाऊंगा, चाहे उसमें कोई भी कंडीशन हो, कुछ ना कुछ मैं आपके लिए अरेंजमेंट रखूंगा, 7:30 बजे क्लास होगी तो होगी, बस ये अपने दिमाग में आप बिठा लें। और प्लीज इन्फॉर्म कर दे सब बच्चों को कि 7:30 आपको क्लास में आना ही है, आप चाहे उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी मैं लाइव जरूर आऊंगा आप लोगों के लिए, अगर मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं है और मैं नहीं कर सकता कुछ भी तो मैं लाइव आऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट में जरूर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी राइट। तो आप लोग भी अब गांठ बांध लीजिए, हमें करना ही है, किसी भी कीमत पे करना है। चलिए थैंक यू वेरी मच, हम लोग कुछ अच्छा और कुछ नया और कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं आगे से, थैंक यू।